हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त, आसान और सस्ती ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप गंदे मार्बल हो, फर्श हो या टाइल्स हो, आसानी से साफ कर सकते हैं बिना रगड़े ही। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरी काफी सब्सक्राइबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं मार्बल क्लीनिंग पर वीडियो बनाऊं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड नेवर मिस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड अबाउट मोर लेटेस्ट वीडियोस। अब आइए इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें क्या लगेगा देखते हैं। एक पुराना टूथब्रश, बेकिंग सोडा, एक चम्मच हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन जो कि मेडिकल स्टोर में इजीली आपको मिल जाएगा और हार्डली ये 30 रुपए का होता है, और एक कटोरी। एक बोल में एक स्पून बेकिंग सोडा लें और फिर इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन डालें, पर इस घोल को बहुत ही पतला ना करें। सॉल्यूशन को आप किचन के मार्बल में या बेसिन का जो मार्बल होता है वो पुराना हो गया हो, या फ्लोर के कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत ही गंदे हो गए हो, मैले हो गए हो, तो इस सॉल्यूशन को इजीली यूज कर सकते हैं। रेगुलर क्लीनिंग के बाद भी मार्बल पर कुछ ऐसे स्टेन्स हो जाते हैं जिन्हें निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये मार्बल कितना गंदा है, जैसे सालों से साफ नहीं हुआ हो। तो इसे मैं आपको पूरी तरह क्लीन करके दिखाऊंगी। पुराने टूथब्रश की हेल्प से सॉल्यूशन को मार्बल पर लगाएं। फ्रेंड्स, इसे देखिए, मैं केवल अप्लाई कर रही हूँ, रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, पर अगर आपका मार्बल बहुत ही ज्यादा खराब है तो आप इसे आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमारा मार्बल बहुत ज्यादा ही खराब हो गया है, तो हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे क्लीन करते हैं। देखिए, गंदे दाग धब्बे पूरी तरह निकल चुके हैं, अब मार्बल कितना ज्यादा चमक रहा है। एक और बात फ्रेंड्स, मैंने इस सॉल्यूशन को 2 बार लगाया है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गंदा फ्लोर था। यदि आपका फ्लोर भी बहुत ज्यादा ही पुराना हो, उसमें से दाग धब्बे नहीं निकलते हो, तो आप भी 2 बार अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको इस सॉल्यूशन से फ्लोर के दाग धब्बे क्लीन करना दिखाऊंगी। इसे भी हम ब्रश की हेल्प से सॉल्यूशन को इजीली फ्लोर पर लगाएंगे। 15 से 20 मिनट इसे छोड़ दें, फिर आप बस एक कपड़े से इसे पोंछ लें। देखिए कैसे फ्लोर चमक रहा है, सारे स्टेन्स निकल गए हैं। अब इस सॉल्यूशन को मैं फ्लोर के कॉर्नर्स में यूज करूंगी। आप देख सकते हैं ये कितने ज्यादा गंदे हैं। इसमें भी हम बस सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे और कुछ समय बाद आप देखेंगे फ्लोर के साइड में जितनी मैल थी, गंदगी थी, निकल चुकी है। दोस्तों, वैसे तो हम डेली ही बाथरूम क्लीन करते हैं, पर टाइल्स के बीच में इतनी ज्यादा मैल हो जाती है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, और फिर जिससे हमारा बाथरूम गंदा लगने लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसे क्लीन करेंगे। टाइल्स के बीच में मैं इस सॉल्यूशन को ब्रश की हेल्प से बिना रगड़े ही लगा दे रही हूँ। अब 20 मिनट इसे हमें छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद सूखे कपड़े से इसे बस पोंछ रही हूँ। आप देख रहे होंगे कैसे टाइल्स चमक रही है, जैसे कोई मैल थी ही नहीं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन को जरूर क्लिक करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले सके। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। ओके, बाय फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियोस के साथ।